हर बुधवार की तरह हम लाए हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और अनोखे रहस्य। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। जानिए किस तरह अलग अलग अंगों के तिल तय करते हैं आपका भाग्य। हमारे शरीर में पाए जाने वाले तिल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें गोलाकार तिल सबसे अच्छा माना जाता है। यदि तिलों का रंग हल्का भूरा हो तो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शरीर पर पाया जाने वाला हर तिल अपनी अलग अलग विशेषता का रहस्य रखता है। शरीर में पाए जाने वाले तिलों की स्थिति से आप अपने और दूसरे के स्वभाव और व्यवहार को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरीर के अलग अलग जगह के तिल क्या कह रहे हैं। माथे पर तिल। माथे पर दाहिने तरफ तिल सफलता, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, लेकिन इनमें गुस्सा भी बहुत रहता है। व्यक्ति मालामाल पर फिजूल खर्ची होता है। अगर तिल माथे के बाईं ओर रहे तो समस्याओं और कठिनाइयों का इशारा करता है। भौं पर तिल। यहां का तिल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लेकिन सफलता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मेहनत करते रहते हैं और सफलता उनके पास जरूर आती है। आंख का तिल। आंख के ऊपर तिल व्यक्ति के ठंडे स्वभाव को बताता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धोखेबाज भी होता है। आंख के बाहरी कोने का तिल व्यक्ति के ईमानदार होने का सूचक है, लेकिन बाईं ओर का तिल आलसी व्यवहार को बताता है। नाक का तिल। नाक का तिल व्यक्ति के सरल मन को दर्शाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल जरूर होते हैं। इन व्यक्तियों का विवाह अच्छे और समृद्ध कुल में होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को अचानक अपनी कल्पना से भी बहुत अधिक पैसा मिल जाता है। नाक के दाहिनी ओर का तिल यात्राओं यानी ट्रेवलिंग का सूचक है, लेकिन अगर तिल बाईं ओर हो तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धोखाधड़ी भी कर सकता है। अगर तिल नाक की नोक पर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सेल और झगड़ालू किस्म का होता है। गाल पर तिल। यदि तिल दाहिने गाल पर हो तो इसे शुभ माना गया है। ऐसे लोगों को अच्छा घर बार मिलता है और ऐसे लोग दोस्तों के बीच एक नॉर्मल कैरेक्टर के रहते हैं। यदि तिल बाएं गाल में हो और वो भी लाल रंग का, तो बहुत धन दौलत मिलती है। किंतु अगर इसी भाग पर काला तिल होगा तो मनपसंद जगह पर विवाह होता है। जिनके दोनों गालों पर तिल होता है उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। होंठ पर तिल। ऊपर के होंठ का तिल खुशहाल जीवन और पैसा देता है और ऐसे लोग हंसमुख भी होते हैं। किंतु नीचे के होंठ पर तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। कान पर तिल। कानों पर तिल का होना धन दौलत वाले लेकिन घुमक्कड़ इंसान की निशानी है। ऐसे लोगों को इस तिल से प्रसिद्धि यानी कि फेम भी मिलती है। यदि तिल कान के अंदर की तरफ है तो वह व्यक्ति ऐश परस्ती, मौज मस्ती और धोखा व फरेब पसंदी का सूचक है। गर्दन पर तिल। गर्दन पर तिल का होना अच्छा है, क्योंकि यह जीवन भर खुशहाली और धन दौलत देता है। सीने का तिल। सीने का तिल तेज दिमाग और अच्छे ख्यालों का संकेत देते हैं। जिनके सीने में दाहिनी ओर तिल होता है वो आराम तलब प्रवृत्ति के होते हैं, और अगर ये बाईं ओर हो तो जीवन भर भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन भाग्य अच्छा फल ही देता है। ठोड़ी पर तिल। ठोड़ी पर तिल अच्छे भाग्य की निशानी है। श्री राम जी की ठोड़ी पर भी तिल था। पसलियों पर तिल। जिन लोगों के पसलियों में तिल होता है उन्हें सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कंधों पर तिल। ऐसे लोग फितरती और घूमने फिरने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ज्यादा समय तक एक स्थान पर टिक पाना मुश्किल होता है। ये अपने जीवन में बहुत यात्राएं करते हैं। दाहिने कंधे का तिल अच्छे खानदान में विवाह का होना दर्शाता है, और अगर बाएं कंधे में हो तो ऐसे व्यक्ति मस्त मोला स्वभाव के रहते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्नचित रहते हैं। कमर पर तिल। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज रहता है और वे हाजिर जवाबी में तेज होते हैं। आपने बोला और उनका जवाब आया। पीठ का तिल।
ऐसे व्यक्तियों को किसी भी समारोह या कंपटीशन में सोच समझकर भाग लेना चाहिए, लेकिन पीठ का तिल शत्रुओं से भी दूर रखता है। कलाई का तिल, कलाई पर तिल व्यक्ति को किफायती बनाता है, लेकिन यह व्यक्ति को बंधन में बांध सकता है, फिर यह बंधन सोशल या जेल भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। पेट पर तिल, पेट पर तिल होने वाले लोग सज्जन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना जीवन साथी इस प्रकार चुनना चाहिए जो समझदार और शांतिपूर्ण रिश्ता बनाकर जीवन भर चल सके। बगल में तिल, बाईं ओर की बगल का तिल संघर्ष का सूचक है और दाहिने ओर बगल का तिल सावधान और सतर्क होने की चेतावनी देता है। यदि सावधानी ना बरती तो ऐसे व्यक्ति को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उंगलियों का तिल, इस स्थान पर तिल का होना व्यक्ति की मेहनत का सूचक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर सरलता से विश्वास नहीं करना चाहिए। हाथ का तिल, अगर बाहिने हाथ पर तिल खूब पैसा देता है, लेकिन इस तरह के लोग इसे खर्च कर देते हैं, वहीं दाईं ओर तिल वालों को अच्छा पैसा मिलता है। घुटनों का तिल, दाहिने घुटने पर पाया जाने वाला तिल खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है, लेकिन बाएं घुटने का तिल व्यक्ति को बेहद फिजूल खर्ची बना देता है, परंतु ऐसे व्यक्ति व्यापार और व्यवहार बड़ी सूझबूझ से करते हैं। अगर इसके अलावा आपके शरीर पे कहीं और तिल है तो हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें। और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।